अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करनी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बिगनर्स के लिए प्लेलिस्ट है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एडवांस जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक्सेल पे, उसमें जाके आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसमें बड़ी डिटेल से बताई हुई हर चीज़। यहाँ पर मैं मेरे जितने भी फोल्डर हैं, ठीक है, ये वाले जितने भी मेरे टैब्स हैं, इनमें से हर टैब में से सब ऑप्शन में से सिर्फ एक को मैं परफॉर्म करूँगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, ठीक है, डेट, डुप्लीकेट, ठीक है, ये डुप्लीकेट को कर देता है, इक्वल टू कर देता है, टेक्स्ट को करने के, ये टेक्स्ट को करने के लिए होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ लेस देन, जो लेस देन 76% है, ठीक है, उसको कलर कर दो। यहाँ से कोई भी कलर करवा सकता हूँ ना मैं, यहाँ से कोई करवा सकते हैं, या फिर मैं इसको कहता हूँ कस्टम फॉर्मेट में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं जाके अपना कलर कोई कर लेता हूँ, ठीक है, साइज़ क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसको जो है वो इसने रेड कलर कर दिया, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर दूँगा तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, अप्लाई नहीं करवाई। उसके बाद ये लेस देन, ठीक है, टॉप 10%, ठीक है, बॉटम 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो बिलो एवरेज, ठीक है, ये इसको करने के लिए है, ठीक है। मैं अगर मैं कहता हूँ टॉप 10%, ठीक है, तो ये सिर्फ ये ही टॉप 10% में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद मैं डेटा बार्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट डेटा बार्स हैं, ठीक है, ये आपको जो कलर पसंद आए वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी 85% जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो वैसे वैसे कम होता जा रहा है। ये कलर स्कीम है, ठीक है, तीन कलर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो स्कीम है, ये ग्रीन, येलो, रेड कलर की स्कीम है। ये वाली जो है येलो ग्रीन कलर की स्कीम है, ठीक है। इसके बाद ये आप डिफरेंट आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 85% में बैटरी सिग्नल सारे आ रहे हैं, 85 में, 78 में तीन सिग्नल आ रहे हैं, 68 में एक आ रहा है, 66 में भी एक आ रहा है, 66 में भी एक आ रहा है, ठीक है। ये उस हिसाब से ये सारा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग मैंने ये करवा दी है, ठीक है, इसको रिमूव अगर आपने करना है तो वो आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आके, ठीक है, क्लियर, तो इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं आप। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बेसिक हमारी प्लेलिस्ट है, ये बिगिनर्स के लिए है। तो बेसिक जो भी चीज़ें हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से वो मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट अब जो है वो इससे आगे हम चलेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।